ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जब एक स्पेशल डेटा पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, तो ये जो स्पेशल डेटा पैकेट, मैं इन चीज़ों को यहाँ पर लिख देता हूँ, रिंग टोपोलॉजी के अंतर्गत जो आपका स्पेशल डेटा पैकेट होता है, स्पेशल जो आपका डेटा पैकेट होता है जो कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाता है, उसको अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यहाँ पर आपके टोकन। क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं, ध्यान रखना। ये टोकन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में क्या करता है, ट्रेवल करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये टोकन्स के बारे में आपको ध्यान रख लेना है। अगर दूसरी मैं यहाँ पर बात करता हूँ, टोकन पासिंग क्या होता है, टोकन पासिंग का मतलब होता है जब एक डिवाइस से टोकन को यानी स्पेशल डेटा पैकेट को दूसरे डिवाइस तक पहुँचाया जाता है, यहाँ पर पहुँचाया जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं, टोकन पासिंग, ध्यान रखना है। वैसे ये आपके, ठीक है, इस प्रकार यानी ये आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, तो यहाँ पर जब इससे यहाँ तक मतलब यहाँ का डेटा पैकेट यहाँ पर आएगा, तो ये डेटा पैकेट मतलब क्या, अपन यही तो कह रहे हैं कि ये आपका जो टोकन है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब इसको टोकन पासिंग के नाम से अपन जान सकते हैं यहाँ पर आपके। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी रिंग टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके अंतर्गत और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको भी बात कर लेते हैं। अब एक चीज़ इसके अंतर्गत आपको अगर कथन निष्कर्ष के तौर पर भी पूछी जाती है तो वो भी आपको ध्यान रखनी है कि मेरा डेटा यहाँ से अगर जा रहा है और वो यहाँ पर आ चुका है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है आपका, अगर ये डेटा यहाँ से यहाँ पर इसके पास में आ गया है और ये मेरे पास यहाँ पर दो है, तो ध्यान रखना कि ये जो डेटा होता है अपने पास में क्या करता है, उस डेटा पैकेट यानी उस टोकन को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। जब ये डिवाइस इसको क्या करेगा, टोकन सेंड करेगा। देखो यहाँ पर जब ये डिवाइस, देखो इसने डेटा तो यहाँ पर भेज दिया और डेटा इसके पास आ भी गया, जब ये यहाँ से इसके पास में एक टोकन भेजेगा तो ये क्या करेगा, उस डेटा के साथ में इस टोकन को करेगा अटैच और उसके बाद इस टोकन को भेज देगा आगे। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि टोकन जब आता है इसके साथ में, ठीक है, डेटा के साथ में जो टोकन होता है उसको अटैच करके उसके बाद में जो है डेटा को आगे उसमें रिलीज किया जाता है, आगे भेजा जाता है, ध्यान रख लेना। अब अगर अपन बात करते हैं इस टोपोलॉजी के बारे में, जो भी इसकी अलग अलग जो वेरिएशन होती है उसकी, अगर तो रिंग टोपोलॉजी के अंतर्गत अगर बात करें तो रिंग टोपोलॉजी में अलग अलग वेरिएशन हो सकती हैं, वो वेरिएशन कौन कौन सी हो सकते हैं वो समझ लीजिए आप सभी। ठीक है, तो वो जो वेरिएशन हो सकती हैं वो देखिए यहां पर आपके, एक होता आपका सिंगल रिंग, ठीक है, देन दूसरा हो सकता है आपका यहां पर क्या, ड्यूअल रिंग, ध्यान रखना ड्यूअल रिंग, ये दूसरा आपका इसके अंदर टाइप हो गया। और अगर थर्ड की अगर बात करें इसके अंतर्गत, तो वो हो सकता है आपके फाइबर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो अलग अलग हो सकता है, इसका तो फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, FDDI। ठीक है, FDDI का मतलब क्या हो सकता है, FDDI का मतलब होता है आपके फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। अब इनके बारे में भी अच्छे से समझ लीजिएगा। सिंगल रिंग के अंतर्गत क्या होता है, जिसमें एक ही सर्कुलर लूप होता है, इसमें डेटा जो होता है वो एक ही सर्कुलर लूप के रूप में क्या करेगा, यहां से यहां ऐसे क्या करेगा, ये ट्रेवल करता रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और ऑल डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता है। अगर ड्यूअल रिंग की मैं बात करता हूं तो यह क्या करता है, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर अगर रिंग फेल हो जाता है, ये रिंग अगर टोपोलॉजी फेल हो जाती है, तो इसको बरकरार रखने के लिए ये वापस ऑपोजिट साइड में भी जा सकती है। तो ऑपोजिट साइड में अगर जा रही है तो वो आपके किस में आ जाएगी, ड्यूअल रिंग में आ जाएगी। किस में आ जाएगी भाई, वो ड्यूअल रिंग के अंतर्गत आ जाएगी। और लास्ट आपको अगर FDDI की अगर बात करें, तो FDDI मतलब होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। तो ये जो आपके इस पर एक जो है, अभी आपने पढ़ी थी ड्यूअल रिंग वाली जो टोपोलॉजी, तो एक इसका एक स्टैंडर्ड है, ये एक प्रकार का ड्यूअल रिंग का जो है, ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी का एक स्टैंडर्ड होता है, जिसका यूज आप अगर आप हाई स्पीड अगर नेटवर्किंग करना चाहते हैं, हाई स्पीड अगर नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, इसका यूज लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यह चीज आपको यहां पर ध्यान रख लेनी है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। एक लास्ट बात और याद रख लीजिए, मैं ये जो चीजें अभी पढ़ी थी वो मैंने यहां पर लिखी है, इसके अंदर जो स्पेशल डेटा पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। और ये डेटा जब ये जो टोकन एक जगह से दूसरी जगह पर ले गया जाता है, तो इस प्रोसेस को अपन टोकन पासिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, टोकन पासिंग के नाम से जानते हैं। अगर एक चीज और देखें तो इसके अंतर्गत आपके ये तीन प्रकार के वेरिएशन हो सकते हैं, सिंगल रिंग यानी जिसमें एक सिंगल सर्कुलर लूप होता है, ड्यूअल रिंग मतलब जिसमें आ भी सकता है वापस आपके ऑपोजिट लूप में भी जा सकता है, और FDDI अगर बात करें तो FDDI जो होता है वो आपका जो ये यहाँ पर ड्यूअल रिंग होता है उसका एक प्रकार का क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है। और ये किसके लिए यूज होता है, जब आपको हाई स्पीड में अगर आपको डेटा ट्रांसमिशन का लेना है तो उसके लिए अपन FDDI का यूज कर सकते हैं।
एक लास्ट आपका पॉइंट बच चुका है जिसको मैं यहाँ पर आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, टोकन रिंग। और अगर आपको पूछा जाए टोकन पासिंग, वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, टोकन रिंग और टोकन पासिंग को लेकर जो भी आपके लिए कॉन्सेप्ट आता है। तो ये देखो टोकन पासिंग और टोकन रिंग को आप समझिए एक बार यहाँ पर, ठीक। टोकन रिंग और टोकन पासिंग के अंदर मेनली डिफरेंस क्या होता है, टोकन जो रिंग है ना भैया वो एक प्रकार से जो आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है उसका एक स्टैंडर्ड है। क्या है ये? एक प्रकार का स्टैंडर्ड है, ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना। सिक्कर के अंतर्गत सिक्किम के अंतर्गत जो प्रोग्रामर का हुआ था, एक असिस्टेंट प्रोग्रामर का और भी एग्जाम है, लगभग 2 से 3 जगह पर यह पूछा जा चुका है कि टोकन जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसके अंतर्गत टोकन रिंग का कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। तो इस स्टैंडर्ड का आपको ध्यान रखना है नाम IEEE, ठीक है, IEEE 802.5। ये स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखना है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टोकन पासिंग क्या होता है वो तो अभी जस्ट मैंने आपको क्लियर करवाया था। टोकन पासिंग का मतलब होता है जब आप एक डिवाइस से डेटा को दूसरे डिवाइस के बीच में, यानी इस टोकन को आप पास करते हैं, तो ये होता है आपके टोकन पासिंग। तो एक प्रकार का क्या है आपका जनरल कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप अनदर जो टोपोलॉजीज होती है वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका टोकन एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड किया जाता है।